अब खबरें विस्तार से। संविधान विरोधी कार्य करने वालों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिले के कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। 11 सितंबर को डिमना चौक में पुतला दहन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज व मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को जिला कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व जिला अध्यक्ष विजय खान और युवा नेता आनंद बिहारी दुबे कर रहे थे। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। एमजीएम एमजीएम पुलिस ने वहाँ शांति बनाए रखी है, पुतला छीनने का काम किया, पुतला जलाने नहीं दिया। हमारा विरोध उस पर नहीं है, ये प्रशासन का अधिकार है कि अगर कोई भी किसी नेता चाहे सत्ता में उनके पक्ष में हो, अगर उसका पुतला दहन हो रहा है तो ये प्रशासन को और पुलिस को अधिकार है उसको छीनने का। उलूडी पुलिस, एमजीएम पुलिस ने उसे छीना और उसको लेकर के चले गए। हमारे लखू तंतुबाई जो हमारे महासचिव है, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से वापस हो रहे थे। इस बीच में बीजेपी के वैसे कार्यकर्ता जिनके खिलाफ में हम लोग यहाँ बैठे हैं, सतमा मंडल का वो भी साथ महासचिव है, वो वहाँ अपना दल बल के साथ पहुँचा, जिसके ऊपर में हत्या का आरोप है, जिसके ऊपर में मानगो दंगा का आरोप है, उसने हमारे कार्यकर्ता के साथ में जानलेवा हमला किया। विस्थापितों को मुआवजा एवं नौकरी की मांगों को लेकर झारखंड मूलवासी अधिकार मंच द्वारा जनरल ऑफिस गेट के सामने प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व झारखंड मूलवासी अधिकार मंच के संयोजक हरमोहन महतो कर रहे थे। उनका कहना है कि जब तक मूलवासियों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। जो टाटा कंपनी बनने से जो लोग विस्थापित हुए थे, आदिवासी मूलवासी रैयत लोग, पिछले कई महीने से हम लोग आंदोलित है। और उस समय जब टाटा कंपनी बसा था, उस समय काफ़ी लोग आदिवासी मूलवासी लोग विस्थापित हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज टाटा कंपनी का आयु करीब 150 साल के करीब होने जा रहा है, लेकिन अभी भी आदिवासी मूलवासियों को मुआवजा नहीं मिला है। उसी संदर्भ में आज टाटा के MD को हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं और उनको आज हम लोग अल्टीमेटम भी देंगे कि 3 मार्च तक अगर आदिवासी मूलवासी जो टाटा कंपनी में विस्थापित हुए हैं, उन तमाम लोगों को अगर मुआवजा, नौकरी और जो है उसके साथ समझौता वार्ता अगर नहीं करती है, तो 3 मार्च को हम लोग जो है 3 मार्च को पूरा काली माटी में काला झंडा हम लोग फहरा कर विरोध करेंगे। एक दबंग ठेकेदार ने मंगलवार को जिला खनन कार्यालय में घुसकर एक कर्मचारी की पिटाई कर दी। सर्किट हाउस स्थित जिला खनन कार्यालय में कार्यरत मनोज कुमार पटेल के साथ मंगलवार को एक ठेकेदार विष्णु कुमार चौधरी ने कार्यालय में घुसकर मारपीट की और फाइलें फेंक दिया। सूचना पाकर वहां पुलिस पहुंची, पर ठेकेदार वहां से जा चुका था। मनोज कुमार ने बताया कि उक्त ठेकेदार पर विभाग के फाइल में लाखों की हेराफेरी का मामला है। क्या लिखे हैं आप? जो जुनून है चीज, वही चीज हमने लिखा है फाइल में, उसी पर एक झाप हमको जड़ दिया। कौन है, क्या नाम है उसका? श्री विष्णुचंद चौधरी। क्या ठेकेदार है वो? नहीं, लेसी पूर्व लेसी था, उसका खनन पट्टा सरकार द्वारा परिसमाप्त कर दिया गया है। 11 करोड़ कुछ लाख रूपया सर्टिफिकेट केस किया गया है, ये सब चीज हम फाइल में लिखे हैं, उस कारण हमको मारा। क्या दबाव बना रहे हैं? दबाव बना के मेरा सपोर्ट में लिखो, ये सब चीज नहीं लिखो।
धरना प्रदर्शन उधर था तो हम लोग उधर उसको देख रहे थे कि कुछ ऐसा घटना ना हो जाए। उसी बीच पहले सूचना मिली कौन से कार्यालय में? माइनिंग कार्यालय में। अच्छा, बड़ा बाबू बोले कि एकदम तुरंत जाके देखिए। हम लोग पहुंचे तक तो लोग बता रहा है कि मारपीट क्यों चला गया। ये कर्मचारी है कोई, यहाँ बैठ के फाइल वर्क कर रहे थे तब तक आया। और क्या पटेल बोला कुछ, उसके बीच में मारपीट हमारे और के चला गया।